ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथ्स पजल है। आपके सामने एक 4x4 ग्रिड का स्क्वायर है जिसमें कि 16 नंबर है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ नंबर रैंडमली एलिमिनेट करने को बोलूंगा, काटने को बोलूंगा, और उसका कुछ नंबर बचेंगे जिनका एक सम होगा। बट मैं आप लोगों को बोलूंगा कि वो जो भी सम होगा आपका, उसे मैं प्रिडिक्ट कर लूंगा। आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिएगा, ओके? तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, और मैं वीडियो के सेकेंड हाफ में ये भी बताऊंगा कि आप ऐसे खुद के अपने पजल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आप लोगों को लगेगा मैथ्स इतना फन हो सकती है। तो लेट्स कंटिन्यू एंड सॉल्व दिस। स्टेप कैसे रहेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे फॉलो करते जाइए, और चाहिए तो आप पॉज करके इस ग्रिड को अपने एंड पे बना लीजिए। अब आप क्या कीजिए, कोई भी एक रैंडमली एक नंबर सेलेक्ट कीजिए। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला 1, आपका नंबर कुछ भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट उसे सर्कल कर दीजिए। और वो नंबर जिस रो और जिस कॉलम में है उसके बाकी के नंबर क्रॉस कर दीजिए। जैसे 1 इस कॉलम में है तो मैंने बाकी सारे नंबर क्रॉस कर दिए, और इधर पे मैंने सारे नंबर क्रॉस कर दिए। अब जो बचे हुए नंबर है उसमें से आप कोई एक नंबर सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने इस केस में कर लिया अपना 10। अगेन सेम प्रोसेस, कॉलम के और रो के सारे नंबर जो हैं उन्हें क्रॉस कर दीजिए। अब बचा हमारे पास जो बाकी नंबर है उनमें से वापस किसी और को सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने किया 12 को, और वापस मैंने कॉलम के सारे कैंसिल कर दिए और रो के सारे कैंसिल कर दिए, और लास्ट में मेरा नंबर बचा 12। अब जो मेरे नंबर जो बचे हुए हैं उनको मुझे सम करना है। जैसे इस केस में मैं क्या करूंगा, 12 + 12 + 1 + 10। और आप कहीं से भी स्टार्ट हो, आपका जो ये बचे हुए नंबर्स का सम है वो 35 होगा। कोई ऐसा है जिसका कि नंबर मैच नहीं हो रहा है? अगर मैच नहीं हो रहा है तो अपने स्टेप्स को वापस देखिए, आपने शायद कोई गड़बड़ की है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे ग्रिड को हम बना कैसे सकते हैं। तो आप लोग भी जानना चाहते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है। इस मैजिकल ग्रिड को बनाना बहुत आसान है, और इसके बहुत सारे तरीके हैं। मैं एक सिंपल तरीका दूंगा, बट आप इसको और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो आप क्या करो, सबसे पहले कोई भी 4 स्लॉट्स पे लेट्स से 1, 2, 3, 4 नंबर लिख दो, और किसी भी फॉर्म में आप लिख दो। जैसे मैंने 1 यहां लिख दिया, 2 यहां लिख दिया, 3 यहां लिख दिया, 4 यहां लिख दिया। अब जो 1 का जो कॉलम है इसमें आप कुछ दूसरे नंबर फिल कर दो। इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये वाले नंबर मत यूज करो, और आप कोई भी रैंडम नंबर यूज कर सकते हो। जैसे मैं बोलूंगा यहाँ पे 9, 15, लेट्स से 30, ओके? अब क्या करो, आप हर एक नंबर को पकड़ो और उसके रोज इस तरीके से भरो। जैसे ये 1, 2, 3, 4 है, तो 9, 10, सो 1 + 1 = 2, 9 + 1 = 10, 1 + 2 = 3, 9 + 2 = 11, 9, 10, 11, 12। सेम चीज आपका यहाँ हो जाएगा 15, 16, 17, 18, 13, 14, 15, 16। और जब आप उस प्रोसेस से गुजरेंगे तो जो आपका जो सम बचेगा बचे हुए नंबरों का, वो बेसिकली होगा जो ये डायगनल्स के नंबर है उसका सम। सो इस केस में 16 + 15 = 31, 3 = 34 and 10 = 44। सो 44 विल बी द सम ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। सो लेट्स डू अ टेस्ट रन। मैंने पकड़ा 3 को एंड कैंसिल और रोज एंड कॉलम। उसके बाद लेट मी पिक 16, सेम प्रोसेस। फिर मैंने वापस ये 16 को पकड़ा, तो दिस ऑल कैंसल, और मेरा जो बच गया 9। अब मैं इसको सम करूंगा, 16, 16, 32, 3, 35 and 9, 44, so this becomes 44। अब किसी भी तरीके से जाओ आपको 44 बनेगा। तो आप इस ट्रिक को अप्लाई कीजिए, यू विल बी इम्प्रेस योर टीचर्स एंड अदर फ्रेंड्स। और इसको अगर आप थोड़ा और सोचोगे तो यू कैन सी दैट नाउ यू कैन बिल्ड एनी सच काइंड ऑफ थिंग्स विथ लिटिल मोर इमेजिनेशन। यू कैन हैव डिफरेंट नंबर्स हियर, आप उनको डिफरेंट स्टेप्स में बना सकते हो, यहाँ के नंबर आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ये मैजिकल स्क्वायर क्रिएट कर सकते हो। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।